नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरु जी में। दोस्तों आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं दोस्तों, आरआरबी पटना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोस्तों डेट आ चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ भी जारी किया गया है आरआरबी पटना में कि दोस्तों कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, कितने नंबर दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका ई कॉलेटर कब से डाउनलोड करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों PWBD वालों को तो यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि दोस्तों कौन सी लिस्ट जारी हुई दोस्तों आपका पटना बोर्ड में। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी पटना के बारे में दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो आ चुकी है, चलिए उसको ले चलते हैं दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर, दोस्तों पूरा वहाँ पे सब प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये आपके सामने ओपन कर दिया हूं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का। दोस्तों यहां पर देखिए आपका ईस्टर्न रेलवे में दोस्तों आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ECR पटना। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए आप जब आएंगे दोस्तों ये होम पेज आपका है, लेकिन दोस्तों आपको जाना पड़ेगा नोटिस बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका नोटिस बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा यहां साइड में दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने क्या दोस्तों ओपन हो जाएगा। देखिए ये आपका नोटिस बोर्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए अभी आज के दोस्तों आज ही का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कल के डेट में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है रिजल्ट CBT रिजल्ट ऑफ PWBD कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन लेवल 1 CPC दोस्तों। इसके अलावा CA नंबर 02/2018। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, मैं उसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और वहाँ से फ्रेंड्स आप चेक कर पाएंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं और शॉर्टलिस्ट किए गए हैं DV के लिए, और इसके अलावा दोस्तों क्या कट ऑफ गई है, सब कुछ वहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स मैं उस PDF को डाउनलोड करके ओपन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों सिंपली क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने डाउनलोड करने का दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने देखिए PDF दोस्तों ओपन हो गया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ CBT ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन अगेंस्ट CA नंबर 02/2018। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में जब आइएगा आप तो फिर यहाँ आपको मिल जाएगा द कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एज अंडर। दोस्तों यहाँ पे LD वालों का कट ऑफ गया है 69.14 है। VI दोस्तों की बात करते हैं तो उसका 64.06 है। HI की दोस्तों बात करता हूँ तो 43.1575 है। और दोस्तों वहीं पे अगर MD की बात करता हूँ तो यहाँ पे 29.43 दोस्तों ये पूरा कट ऑफ का दोस्तों आपका देखिए बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तो 5% कैंडिडेट्स को यहाँ पे हिस्सा दोस्तों बुलाया गया है लगभग। फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है लगभग 1.05 दोस्तों टाइम से इतना दोस्तों गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है DV के लिए, ताकि दोस्तों बाद में कोई दिक्कत आती है, कोई एबसेंट होता है दोस्तों, कोई भी शॉर्टलिस्टिंग में दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे दोस्तों 5% एक्स्ट्रा बुलाए हैं, उसमें से जो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं देखिए कि कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और दोस्तों इसके अलावा रेलवे ने दोस्तों पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पे नोट में दोस्तों लिख दिया है बेईमान तत्वों से कृपया सावधान रहें, उनके बहकावे में ना आए, उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है टोटली दोस्तों मेरिट बेस पे होने वाला है, किसी के बहकावे में दोस्तों बिल्कुल ना आए कि दोस्तों आपके कम मार्क्स हैं तो आपकी मैं जॉब लगवा दूंगा, तो दोस्तों इस सब दोस्तों फ्रॉड की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन मेन मेरिट फॉर DV। दोस्तों DV के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, देखिए आपका HI वालों का है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है, विजुअली इम्पेयर्ड का है और मल्टीपल डिसेबिलिटी का है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबका देखिए लिस्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है। और आप देखेंगे दोस्तों एक पेज के अलावा सेकंड पेज में दोस्तों भी ये गया है। और दोस्तों 5% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं उनका भी देखिए यहाँ पे लगभग तीन कैंडिडेट्स को यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा बुलाया गया है। हियरिंग इम्पेयर्ड में है 3 लोग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है, विजुअल इम्पेयर्ड में है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में दोस्तों नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कैंडिडेट्स हैं लगभग दोस्तों मैंने काउंट किया है तो लगभग 192 के दोस्तों आसपास हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं DV के लिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन का दोस्तों E-कॉलेटर दोस्तों अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों जिस भी अभी तक देखा गया जितने दोस्तों जोन है जहाँ के दोस्तों जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर दोस्तों, तो इसके बाद आपका E-कॉलेटर दोस्तों 1-2 दिन के अंदर दोस्तों आपका अपडेट हो जाएगा, तो लिंक दोस्तों एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ के बारे में दोस्तों, यहाँ की अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिल पाई दोस्तों, कोई भी नया अपडेट नहीं मिल पाया है, क्योंकि दोस्तों चंडीगढ़ जोन का दोस्तों अभी तक कोई कुछ भी ये दोस्तों प्रोसेस अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि दोस्तों वहाँ पे कब DV का प्रोसेस होने वाला है, कौन से लोग शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, अभी तक दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ जोन का नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों कोई भी नई अपडेट मिलती है पहले दोस्तों आप तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।